नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ट्रेवल इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है महाकाल कॉरिडोर, जो कि उज्जैन में है। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि आप उज्जैन महाकाल दर्शन करने कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं और कितना खर्चा होने वाला है वहाँ पे। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ की दी है, कितना टोटल इस ट्रिप में खर्चा होता है। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो अगर आप उज्जैन ट्रिप की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखें, लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें प्लीज़। और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और किस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसका नाम है इंटरेस्टिंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं उज्जैन कॉरिडोर, जो कि बहुत सुंदर है। और ये कॉरिडोर 900 मीटर में बना हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ये कॉरिडोर बना हुआ है, और जिसमें लागत आई 7,000 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, जिसको बनने में 7,000 करोड़ रुपए लगे, तो आप सोच सकते हैं ये कितना सुंदर होगा। अगर मैं कॉरिडोर की बात करूं तो दोस्तों, जब आप यहां पर जाते हैं तो इसमें कोई एंट्री टिकट आपको परचेज नहीं करना होता, एंट्री बिल्कुल फ्री है। और मैं इस वीडियो में आपको इसका दिन और रात दोनों का ही व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। दिन में इसका नज़ारा और लगता है, रात में और लगता है। अगर आप अगस्त के महीने में जाते हैं तो ये कॉरिडोर आपको बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि अगस्त के महीने में अगर आप दिन में देखते हैं, उस समय अगर बादल वगैरह होते हैं तो इसकी जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये इसका मुख्य एंट्रेंस गेट है। और इसकी अगर आप कारीगरी की देखते हैं, इसमें जो पत्थर लगा हुआ है ये बहुत सुंदर है। इसमें आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, तो ये हर तरीके से बहुत सुंदर बनाया गया है। अगर आप इसका नज़ारा नाइट में देखते हैं तो नाइट में ये और भी शानदार लगेगा, क्योंकि नाइट में जो इसमें लाइटिंग है और जिस तरह का इसमें लाइट का व्यू आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तो ये इसका मेन एंट्रेंस है। तो ये इसका सामने का मेन एंट्रेंस है। अगर जब आप मेन एंट्रेंस से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये वाला आपको व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी स्टैचू है और जहाँ पर भगवान शिव योग निद्रा में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर रात में फाउंटेन चलता है, तो ये वाला व्यू आप रात में ज़रूर देखें, क्योंकि रात में ये बहुत सुंदर लगेगा आपको देखने में। यहाँ पर पूरा ग्रेनाइट मार्बल से इसके चारों तरफ ग्रेनाइट मार्बल के पत्थर लगाए गए हैं, और ये देखने में व्यू ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे शाम के समय भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको लगभग इसमें 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे से घूमते हैं तो रात में यहाँ पर ये फाउंटेन चलते हैं और लाइट जलती है चारों तरफ से, तो ये वाला व्यू बहुत सुंदर लगेगा अगर आप नाइट में इसका व्यू देखते हैं तो। और इसमें जो ये पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पर एक अलग जो कारीगरी की गई है, ये भी बहुत सुंदर है। तो इसको बनने में लगभग 7 से 8 साल का समय लगा, और इतने बड़े एरिया में बनाया, तो ये ज़बरदस्त यहाँ पे कारीगरी है। ये देखिए सामने, अभी जो आप देख रहे हैं भगवान गणेश जी की स्टैचू, ये भी बहुत सुंदर बनी हुई है। यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था की गई है, आप आराम से यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे जब तक चाहे आप बैठ सकते हैं। पीने के पानी के लिए यहाँ पर इंतज़ाम है, और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसका ये नज़ारा है जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। जो महाकाल ज्योतिर्लिंग मुख्य जो मंदिर है, ये बिल्कुल उसके राइट साइड में ही है। और इसका जो एंट्रेंस है, जब आप महाकाल ज्योतिर्लिंग से एग्जिट करेंगे तो बस थोड़ा सा ही अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो वहीं से इसका एंट्रेंस है। दो तरफ से इसमें एंट्रेंस है, आप दोनों तरफ से मेन गेट जो है वो हाईवे की तरफ है, तो आप वहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं अगर आप घूम के थक जाते हैं, और यहाँ पर आप ज़रूर जाएँ एक बार। तो दोस्तों, इस ट्रिप में कितना खर्चा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने, जो मेरा उज्जैन का फर्स्ट पार्ट है, मैंने उसमें दिखाया है। वहाँ पर होटल्स वगैरह आप कैसे ले सकते हैं, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है। और जो मेरा सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने जो उज्जैन की टॉप 10 प्लेसेज हैं वो भी मैंने वहाँ पर बताए हैं, कि आप उज्जैन में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितने दिन का आपका ट्रिप होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो अभी आप जो सामने का नज़ारा देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है, और ये वाला नज़ारा मैं आपको नाइट व्यू में भी दिखाने वाला हूँ। नाइट में ये नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। और इसका जो मेन एंट्रेंस है, जब भी आप इसका मेन एंट्रेंस देखेंगे तो आपको बाहुबली मूवी की याद आ जाएगी। इसका जो गेट है एंट्रेंस, वो बहुत सुंदर बना, एकदम शानदार तरीके से वो बनाया गया है। तो जो सामने की तरफ दिख रहा है बैकग्राउंड में, वो इसका मेन एंट्रेंस है।
अब मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पर जितनी भी सारी स्टैचू हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप सामने की तरफ जो रास्ता देख रहे हैं, अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पर बादल एकदम छाए हुए हैं तो ये वाला नज़ारा सच में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर आप बरसात के टाइम पे जाते हैं तो ये दिन में बहुत सुंदर लगेगा आपको। ये इसका चारों तरफ से 360 व्यू है जो कि आप देख ही रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा आपको सामने से। अब मैं आपको इसके जो दूसरे हिस्से हैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ। ये नज़ारा बहुत सुंदर है, ऐसे ही सामने का नज़ारा। अभी आप देखिए, जब आप यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो आपको सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ पर आपको बहुत सारी दीवारों पर कारीगरी दिखाई देंगी। और नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पर पूरा पत्थर लगा हुआ है और यहाँ पर आपको एक से एक शानदार जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देंगी। और कलाकारी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त कलाकारी आपको देखने को मिलेगी और इतना प्यारा व्यू है यहाँ पर, आपको आपका मन खुश हो जाएगा। एक से एक बढ़िया शानदार यहाँ पर स्टैचू की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। और इसके बिल्कुल साइड में ही आपको ये शानदार तालाब देखने को मिलेगा जहाँ से हवा आती है और बहुत ठंडी हवा आती है, तो यहाँ का एक नज़ारा बहुत सुंदर है। यहाँ पर भगवान शिव की आपको इतनी सारी यहाँ पर स्टैचू देखने को मिलेंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, भगवान शिव की जो शादी के समय का जो व्यू है वो दिखाया गया है और यहाँ पर जो उनका विकराल रूप है वो इस तरह के, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सारी भगवान शिव की यहाँ पर स्टैचू देखने को मिलेंगी। तांडव रूप देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें विष पीते हुए आपको भगवान शिव दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको, जब यहाँ पर आप खड़े होते हैं तालाब की साइड में, तो यहाँ पर आपको बहुत शांति फील होगी। और यहाँ पर जब भी आप घूम रहे होंगे तो चारों तरफ से आपको ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी जो आपके मन को बिल्कुल शांत कर देती है। इसके बिल्कुल ठीक सामने जो वो मंदिर देख रहे हैं अभी आप, वो भारत माता मंदिर है। तो यहाँ घूमने के बाद आप वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पर आप किस तरह से घूम सकते हैं वो मैंने पूरी डिटेल्स आपको बताई है। ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो एक साथ अपलोड करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं इस कॉरिडोर के एक एक कोने को आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका एक अलग से ही पार्ट अपलोड किया है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये महाकाल के जो ज्योतिर्लिंग है, महाकाल बाबा का, वहाँ वो उसका एंट्रेंस था और ये इसके सामने का व्यू है। यहाँ पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाई देंगी और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मेन है वो भगवान शिव की आपको अलग अलग रूप में यहाँ पर आपको कारीगरी और तस्वीरें दिखाई देंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर नागराज के ऊपर भगवान शिव आपको दिखाई देंगे योग निद्रा में। तो यहाँ पर आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो ये कॉरिडोर देखना ना भूलें। और दोस्तों, इस कॉरिडोर में मैं एक बार फिर से अभी ये बात रिपीट करना चाहूँगा, आप डे और नाइट दोनों ही समय पर इसमें जाएं, क्योंकि दिन में जितना प्यारा लगता है रात में उससे कहीं ज़्यादा सुंदर यहाँ पे ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर रात में जाना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि जो लाइटिंग का मज़ा है वो रात में ही आएगा और यहाँ पर फाउंटेन वगैरह जो है वो सब आपको रात में ही देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास नहीं समय तब अलग बात है, तब आप दिन में भी जा सकते हैं क्योंकि दिन में भी ये उतना ही सुंदर दिखता है। तो दिन का व्यू आप देख रहे हैं सामने वीडियो में, दिन में भी ये बहुत प्यारा आपको लगेगा। लेकिन कोशिश ये करें, जब भी आप यहाँ पर जाते हैं, इतना बड़ा एरिया है, पूरा ओपन एरिया है, तो यहाँ पर आप जब भी गर्मी ना हो तब जाएँ, क्योंकि गर्मी में अगर आप इतने बड़े एरिया में घूमेंगे तो आपको फिर थोड़ा इतना मज़ा नहीं आएगा जितना, या तो अगर आप बरसात के समय पर यहाँ पर जाते हैं जब बादल होते हैं, हवा चल रही होती है, या फिर आप नाइट के समय जाते हैं। नाइट में आप किसी भी मंथ में आप यहां जा सकते हैं। तो ये देखिए, इसका जो ये बिल्कुल तालाब के चारों तरफ ये बना हुआ है तो इसका व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये इस तालाब के पास बना हुआ है। और नाइट में जब इस तालाब में इसकी जो आप परछाई देखेंगे तो वो और भी आपको बहुत सुंदर लगने वाली है। मैंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अच्छी अच्छी यहाँ पर जो तस्वीरें बनी हुई हैं और इसको मैंने पूरा कैप्चर करने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसका दिन वाला व्यू आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी देखिए, बरसात के टाइम पर इसका व्यू कुछ इस तरह का होता है। तो अगर आप बरसात के टाइम पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
तो ये दिन और बरसात का व्यू मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नाइट में इसका व्यू कैसा लगता है। और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, इसका नाइट व्यू आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करें। तो म्यूज़िक के साथ अगर आप ये वीडियो नाइट में देखने वाले हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि नाइट में जो इसकी लाइटिंग वगैरह है आपको ज़बरदस्त लगने वाली है। जो मैंने स्टार्टिंग में जो फाउंटेन दिखाया था वो भी आप ज़रूर देखिएगा, तो वो नाइट में बहुत सुंदर व्यू लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा।